कहते हैं कि एक सुंदर, साफ और शांत घर की निर्माता औरतें ही होती हैं। वो जो कुछ ठान लें उसे पूरा करके ही दम लेती हैं और इसी तरह एक मजबूत समाज का निर्माण भी करती हैं। एक पत्नी के रूप में या एक माँ के रूप में इनका रोल अहम हो जाता है। ठीक ऐसा ही बेहतरीन रोल जमुई जिले के नक्सल प्रभावित इलाके की महिलाओं ने बतौर पत्नी अदा किया है। यहाँ महिलाओं ने अपने नक्सली बने पतियों को सरेंडर करवा दिया। ये वही पति थे जिनका ब्रेन वॉश कर माओवादियों ने कई तरह के हुक्म दिए और हार्डकोर नक्सलियों में इनकी पहचान बन गई थी। लेकिन पत्नियों के हुक्म के आगे कुख्यातों की एक न चल सकी। महिलाओं के बेहतरीन कदम के चलते ही जमुई जिले के इतिहास में 13 जून की तारीख विशेष तौर पर अंकित हो गई। इस सफलता की पटकथा 3 महीने पहले ही लिख गई थी। 5 मार्च को बरहट थाना क्षेत्र के चोरमारा में सिविक एक्शन प्रोग्राम वरीय पदाधिकारियों का जुटान और सामग्री वितरण के लोगों को पुलिस के नजदीक ला दिया। व्यवस्था पर विश्वास की लौ जली और अविश्वास की कालिमा दूर हो गई। शिविर के दौरान नक्सली बालेश्वर की पत्नी के साथ पुलिस कप्तान डॉक्टर शौर्य सुमन की गुफ्तगू ने कई संदेश छोड़ दिए थे। शायद इसी बातचीत का असर 3 महीने बाद दिखा, जब आतंक का पर्याय बना बालेश्वर ने अपने 2 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई। हालांकि सफलता के पीछे कई पदाधिकारियों का किरदार अहम रहा है। सीआरपीएफ 215 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी मनोज कुमार सिंह लगातार चोर मारा के जंगल में सक्रिय रहे। बालेश्वर की पत्नी और ग्रामीण के सहारे बालेश्वर और उसके साथियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित करते रहे, मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित करते रहे। इस दौरान उसे पकड़ने को लेकर भी जाल बिछाया जाता था। अंततः प्रोत्साहन की जीत हुई और बालेश्वर ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण जिले के संगठन की कमर तोड़ने जैसा आंका जा रहा है। इधर कुछ महीने में पुलिस कार्रवाई ने नक्सली संगठन को बैकफुट पर धकेल दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने चोरमारा गांव के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13 अप्रैल 2022 को 5 दुधारू गाय बछड़े वितरण किए गए। अब इनके लिए और भी प्रयास किए जाएंगे ताकि और भी नक्सली सरेंडर करने के लिए प्रेरित हो सकें। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।